हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें आइकन को भी प्रेस कर लें माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों से हम रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सपोर्ट करें सेशन कैसा रहता है सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें आप लोग कितना स्कोर करते हैं अपने स्कोर को भी मैंशन करें चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए द फर्स्ट वर्क दैट अर्नेट गार्ल्सवर्दी वाज नोबेल आइडेंटिफाई इट गार्ल्सवर्दी जी का कौन सा वो फर्स्ट नोबेल है जिस नोबेल के माध्यम से उन्होंने अपना एक नाम कमाया जो नोबेल उनके रियल नाम से आता है रिस्पॉन्स करिए ऑप्शन ए फ्रेटर्निटी है ऑप्शन बी कंट्री हाउस है या ऑप्शन सी आइलैंड फेरसीज है या ऑप्शन डी जोसलिन है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट right आंसर क्या होगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली वो कौन सा नोबेल है जो गॉल्लवर्दी के रियल नाम से आता है इसके पहले जो भी गाल्सवर्दी के वर्क पब्लिश हुई जॉन सिंजन के नाम से पब्लिश हुई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आइलैंड फेरसिस दाइलैंड फेरसिस गार्ल्स वर्दी जी का फर्स्ट नोबेल है जो रियल उनके नाम से आता है ये नाइनटीन ओ फोर उन्नीस सौ चार में आता है ओके ध्यान रखिएगा गार्ल्स वर्दी जी इस नोबेल को प्ले में चेंज कर देते हैं प्ले का नाम है द पिजन द पिजन कब प्ले आता है ये 1912 में आता है 1912 में इम्पोर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कि सुवर्दी जी का कौन सा वो नोबेल है जो प्ले में तब्दील कर दिया जाता है प्ले में चेंज कर दिया जाता है तो उस प्ले का नाम है द पिजन ओके ज्वासलीन गार्ल्सवर्धी जी का फर्स्ट फुल लेंथ नोबेल है जो नाइनटीन एटीन नाइन के आसपास आता है अठारह सो निन्यानबे ओके तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा द आइलैंड फेरसीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करिए दईलैंड फेरसिज होल्ड्स पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग रिस्पॉन्स करिए ऑप्शन ए ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम या ऑप्शन बी ओवर द पुअर क्लास एंड ट्राइंग टू मेक देम रिच या ऑप्शन सी ओवर द रिच क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम ऑप्शन डी नीज रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर टू द आईलैंड फेरसीज होल्ड्स अप ए पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग क्वेश्चन नंबर टू की बात करें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ओवर द पोअर क्लास एंड फैंटनिंग ऑन देम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री को रिस्पॉन्स करिए ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गर्ल्सवर्दी केम इन विथ द पब्लिकेशन ऑफ गर्ल्सवर्दी जी के जीवन में लाइफ में किस वर्क के पब्लिकेशन के साथ एक टर्निंग पॉइंट आता है रिस्पॉन्स इमिडिएटली ऑप्शन ए द मैन ऑफ पॉवर्टी या ऑप्शन बी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी या ऑप्शन सी जस्टिस ऑप्शन डी द सिल्वर बॉक्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट right आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी द मै प्रॉपर्टी के पब्लिकेशन से गाल स्वर्दी के लाइफ में एक चेंज आता है एक परिवर्तन आता है ओके okay? ये नोबेल है ध्यान रखिएगा क्या है ये नोबेल है जो नाइनटीन ओ सिक्स में आता है जस्टिस गार्ल्सवर्ध जी का प्ले है नाइनटीन टेन में आता है द सिल्वर बॉक्स गार्ल्सवर्ध जी का फर्स्ट प्ले है ये फर्स्ट प्ले है ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्ले है इनटीन और सिक्स में आता है ओके तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर को रिस्पॉन्स करिएच प्ले डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस कौन सा प्ले है जो इनक्वलिटी ऑफ जस्टिस को डील करता है ऑप्शन ए सिल्वर बॉक्स ऑप्शन बी स्ट्राइफ ऑप्शन सी जस्टिस ऑप्शन डी द स्किन गेम रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर का राइट right आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा द सिल्वर बॉक्स फर्स्ट प्ले बाई गर्ल्स वर्दी कब आता है नाइनटीन और सिक्स में आता है ध्यान रखना ये थ्री एक्ट कॉमेडी है थ्री एक्ट कॉमेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव को रिस्पॉन्स करिए इज ऑब्सोल्यूटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग लॉन्ग के अकॉर्डिंग कौन सा पोएट विदाउट ह्यूमर है शैली है किट्स हैं सदी हैं या फिर वर्ड्स वर्थ हैं रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फाइव हु इज ऑब्सोलेटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो ध्यान रखिएगा वर्ड्स वर्थ इज द राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स हु कॉल्ड द इमोर्टेलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री इमोर्टेलिटी ओड को हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री किसने कहा सैमसन ने कहा इमरसन ने कहा विलियम जे लॉन्ग ने कहा शैले ने कहा क्वेश्चन नंबर सिक्स को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा हु हुड द इमोर्टेलिटी वार्ड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें इमर्सन इज द राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ध्यान रखिएगा इमर्सन ने कहा है किस वर्ग को कहा है इमोर्टेलिटी ओड को कहा है क्या कहा है द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री ओके और एक कैसा ओड है ध्यान रखिएगा तो ये इरेगुलर ओड है इरेगुलर ओड है टोटल इसमें अलेवन स्टेंजा हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आई विश टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर आर एज नथिंग हुट ये स्टेटमेंट किसने दिया अर्नॉल्ड ने दिया शैली ने दिया किड्स ने दिया वर्ड्सवर्थ ने दिया रिस्पॉन्स इमिडियटली एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर आई विश टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर आर एज नथिंग अर्नाल्ड का स्टेटमेंट है शेली का है किड्स का है वर्ट्स का है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें वर्सवर्थ इज द राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ये जो स्टेटमेंट है ने दिया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट को रिस्पॉन्स करिए टेन थाउजेंड सा एट अ ग्लांस वार्ड फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है हाइपरबली ऑक्सीमोरन पैराडॉक्स पैथेटिक फैलसी टेन थाउजेंड सा एट ए ग्लांस एक नजर में दस हजार देखा दस हजार क्या देखा डेफोडिल्स देखा जो ये लाइन है विलियम वर्स की फेमस पोएम डेफोडिल्स की है और इसमें हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एक नजर में कभी क्या देखता है दस हजार डेफोडिल्स देखता है ओके तो ये ओवर स्टेटमेंट हैली इज द राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन द सी दैट वेयर्स हर बोजम टू द मून दिस लाइन इज इन ए लाइन किस पोएम की है दी दैट वेयर्स हर बोजम टू द मून दू मच बी दस की लाइन है डेफोड्स की है सोलाइटी रिफर की है या फिर टू मिल्टन की है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट right आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ये जो फेमस लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद की लाइन है ये शोनट है ध्यान रखिएगा शोनेट बाई वर्ड्स ओके और इस लाइन में परसोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ध्यान रखिएगा परसोनिफिकेशन पूछा जा सकता है कि एब लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है तो पर्सोनिफिकेशन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस वेयर डज दिस लाइन अपीयर ए लाइन कहां पर अपीयर होती है द फाउंटेन सोलाइटी रीफर टू मिल्टन टिनटे रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर टेन वी आर प्रेस्ड बाई है फाउंटेन की लाइन है सोलाइटी रीफर की है टू मिल्टन की है या फिर टिनट नवे की है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें यह जो फेमस लाइन है द फाउंटेन की है ऑप्शन एज द राइट आंसर ओके टू तो मिल्टन वर्जी की पोएम है इसका जो अदर टाइटल है लंदन एट्टीन जीरो टू लंदन एट्टीन जीरो टू और जो पोएम है ये मिल्टन जी को डेडिकेट है ध्यान रखिएगा सोनेट है ये ओके टिंटर नबी लिटकल बैलार्स की लास्ट पोएम है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अलेवन रिस्पॉन्स इमीडिएटली आनिजी लाइज द हेट दैट वियर से क्राउन दिस इज फ्रॉम ए फेमस लाइन किस वर्क की है हेनरी फोर्थ पार्ट थर्ड की है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड की है एंटोनी एंड क्लोपेट्रा की है द टेम्पेस्ट की है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर अलेवन क्वेश्चन नंबर अलेवन का राइट right आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर अलेवन की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जो फेमस लाइन है हैरी फोर्थ पार्ट सेकेंड की है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके ध्यान रखिएगा और इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ध्यान रखना सनकडक्की भी है और मिटोनमी भी है ओके okay? क्राउन में मिटोनमी है ओके okay. और यहां पर हेड जो हेड यूज हुआ है हेड में क्या है सिने है ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्वेश्चन नंबर अलेवन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट आई जी लाइक इट में एपिलॉग कौन बोलता है रोजालिन बोलती है शीलिया बोलती है रोलैंडो बोलता है जैक्स बोलता है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु स्पीक्स द एपिलॉग इन आई यू लाइक इट रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा रोजलिंड आई यू लाइक इट में रोजलिंड एपिलॉग बोलती है ओके ऑप्शन इज़ द राइट आंसर क्या अपीलॉग बोलती है कि वुमेन लाइक टू बी द प्ले ओके ऑप्शन इज़ द राइट आंसर औरतों को प्ले को लाइक करना चाहिए ये अपीलॉग रोजलिंड बोलते हैं एज यू लाइक इट में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन हुईच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ़ शेक्सपियर निम्न में से कौन सा वर्क शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है या शेक्सपियर के करियर का लास्ट वर्क है ऑप्शन ए लव लेवर्स लॉस्ट या ऑप्शन बी मेजर फॉर मेजर या ऑप्शन सी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन को रिस्पॉन्स करिए किस वर्क को शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कंसीडर किया जाता है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा द टेम्पेस्ट द टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर जी का स्वान सॉन्ग कंसीडर किया जाता है ये उनके कैरियर का सबसे लास्ट वर्क है ओके ध्यान रखिएगा इसे ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है ड्रामा ऑफ कल्चर मेजर फॉर मेजर जो है ये डार्क कॉमेडी है कैसी कॉमेडी है ये डार्क कॉमेडी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को रिस्पॉन्स करिए ए स्टेंजा ऑफ एट लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज और टावर एहमा टर्जा रहमा राइम रॉयल स्टेंजा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को रिस्पॉन्स करिए ए स्टेंजा ऑफ एटलाइंस इन एम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की बात करें इजी वन क्वेश्चन है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ओटावा राइमा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओटावा राइमा में एटलाइंस होती हैं ओके ध्यान रखिएगा राइम रोल स्टेंजा को चौसेरेंड स्टेंजा के नाम से भी जाना जाता है इसमें सेवन लाइंस होती हैं ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और टावर आइमा स्टेंजा में नाइन लाइंस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टर्म प्रॉब्लम प्ले वॉज इन्वेंटेड बाई प्रॉब्लम प्ले टर्म किसके द्वारा इन्वेंट किया गया सिडनी ग्रेंडी शॉ सिडनी वेब गार्ल्सवर्दी रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन प्रॉब्लम प्ले को किसने एलिमेंट किया रिस्पॉन्स इमिडिएटली प्रॉब्लम प्ले की बात करें तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा सिडनी ग्रंडी ऑप्शन इज द राइट आंसर बट ध्यान रखना है प्रॉब्लम प्ले टर्म को क्वाइन किसने किया फ्रेडरिक बोआस ओके ध्यान रखना इस टर्म को क्विन करने का श्रेय फ्रेडरिक बोआस को जाता है ओके okay, बट दिए गए ऑप्शन में सिडनी ग्रेंडी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को रिस्पॉन्स करिए इज द फ्रेंड डैश आई ट्रस्ट मोस्ट यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा हेम होम हुईच हु कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की बात करें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा होम ओके ही इज द फ्रेंड होम आई ट्रस्ट मोस्ट यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन चूज द करेक्ट प्रोवर्ब करेक्ट प्रोवर्ब को चूज करना है ऑप्शन ए राइट होगा बी राइट होगा सी राइट होगा या फिर डी राइट right होगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन की बात करें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा डायमंड कट्स डायमंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन वाट डज द एडियम पेनिलोब वेब मीन्स पेनलॉफ वेब मीन्स क्या होता है ऑप्शन हो ए एक कॉम्प्लिकेटेड वेब या ऑप्शन बी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या ऑप्शन सी एन अनडिंग वर्क या ऑप्शन डी एन अनडिंग लाइफ पेनलॉफ वेब के मीनिंग क्या होगी रिस्पॉन्स इमीडिएटली ये ई है इस एडीएम का अर्थ क्या होगा क्वेश्चन नंबर एट्टीन पेनेल ऑफ्स वेब क्वेश्चन नंबर एटीन की बात करें तो पेनलॉफ्स बे मीन्स होता है एंड अनडिंग वर्क कभी ना समाप्त होने वाला वर्क ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एटीन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा एंड अनडिंग वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को रिस्पॉन्स करिए टू बर्न द मिड नाइट ऑयल मीन्स इस ई डी की मीनिंग क्या होगी टू बर्न द मिड नाइट ऑयल ऑप्शन ए टू स्टडी लेट एट नाइट या ऑप्शन बी टू फेस अ प्रॉब्लम या ऑप्शन सी टू एमॉस वेल्थ या ऑप्शन डी टू एडमिट वंस गिल्टी फुली नाइनटीन को रिस्पॉन्स करिए टू बर्न द मिड नाइट ऑयल इसकी मीनिंग क्या होगी नाइन्टीन की बात करें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा टू बर्न द मिड नाइट ऑयल मीन्स होता है टू स्टडी लेट एट नाइट रात में देर तक पढ़ाई करना टू बर्न द मिड नाइट ऑयल कहलाता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वंस बिट एंड मीन्स एट वंस बिट एंड इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी ऑप्शन ए कंप्लीटली कन्फ्यूज या ऑप्शन बी टू बी वेरीविटी या ऑप्शन सी टू हैव नो सेंस या ऑप्शन डी टू कन्फ्यूज अदर्स ट्वेंटी को रिस्पॉन्स करिए एट वंस बिट एंड इसम की मीनिंग क्या होगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करें एट वंस बिट इंड मींस होता है पूरी तरह से कंफ्यूज होना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कंप्लीटली कंफ्यूज ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट रिस्पॉन्स करिए ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट आर्टरी आर्टिलरी गैलरी लाइब्रेरी ट्वेंटी फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्कस ऑफ आर्ट ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की बात करें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा गैलरी गैलरी इज द राइट आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी टू को रिस्पॉन्स करिए ऑफ़स्प्रिंग ऑफ फिश इज फिश के ऑफ स्प्रिंग को क्या कहा जाता है मेनू टेडपोल चिकेन फॉल ट्वेंटी टू को रिस्पॉन्स करिए फिश के ऑप्शरिंग को क्या कहते हैं ट्वेंटी टू ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मिनो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ट्वेंटी टू का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री को रिस्पॉन्स करिए हुच टाइप ऑफ प्लेस वर मोरल्टी प्लेस मोरलिटी प्लेज किस प्रकार के प्ले थे रिस्पॉन्स करिए एलेग्री मिस्ट्री मोरल सोशियोलॉजिकल ट्वेंटी थ्री का राइट right आंसर क्या होगा विच टाइप ऑफ प्लेज वर मोरलिटी प्लेज ऑप्शन ए राइट हो जाएगा एलेग्री ओके एलेग्री इज द राइट आंसर एलेग्री क्या होता है डबल मीनिंग ओके okay. नेक्स्ट 24 इन हुई सेंचुरी मेरिकल प्लेज वर वैंड किस सेंचुरी में मेरिकल प्लेज को वैन कर दिया गया मिड फिफ्टींथ मिड सिक्सटींथ मिड सेवेंटीन मिड एटीन रिस्पॉन्स इमिडियटली ट्वेंटी फोर इन चुरी प्लेज प्लेस वैन ट्वेंटी फोर की बात करें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मिड सिक्सटीन सेंचुरी में मोरालिटी प्लेस को वैन कर दिया गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव हुरिकल प्लेस इंग्लिश मेरिकल प्लेज को किसने बैन कर दिया रिस्पॉन्स इमीडिएटली हेनरी फिफ्थ हेनरी सिक्स हेनरी सेवेंथ हेनरी एट ट्वेंटी फाइव को रिस्पॉन्स करिए मेरिकल प्लेस मिड सिक्सटीन सेंचुरी में बैन कर दिए जाते हैं किंग हेनरी एट के द्वारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थाट्स फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है स्पीच वॉज गिविंग टू माइंड टू कंसील हिज थाट्स एपेस्ट्रॉफी है एपिग्राम है मिटोनमी है शिमली है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है रिस्पॉन्स करिए्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की बात करें तो इस फेमस लाइन में एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर स्पीच वॉज गिविन टू माइंड टू कंसील हिज थाट्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एफिग्राम फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन काइंड टू वॉक टूगेदर एक्सेप्ट दी एग्रीड फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है काइंड टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे वी एग्रीड शिमली है इंट्रोगेशन है एपेस्ट्रॉफी है एंटीथीसिस है ट्वेंटी सेवन को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की बात करें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इंट्रोगेशन या इसका अदर नेम है रिटोरिकल क्वेश्चन रेट्रिक क्वेश्चन कह लीजिए ओके इंट्रोगेशन का अदर नेम रेट्रिक क्वेश्चन या रिटोरिकल क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्टेट फॉर्ड शेक्सपियर का स्टेट फॉर्ड छोड़ने का रीजन क्या था रिस्पॉन्स करिए ऑप्शन ए ही वॉज काट स्टीलिंग ए डियर फ्रॉम सर टॉमस लूसी पार्क या ऑप्शन बी ही वॉज नॉट सेटिसफाइड विद फैमिली लाइफ या ऑप्शन सी हीज फ्रेंड इन्वाइटेड हिम टू लंदन या ऑप्शन डी ही गाट ए टीचिंग जॉब इन लंदन रिस्पॉन्स करिए विलियम शेक्सपियर ने स्टेट फोर्ड को छोड़ दिया तो स्टेट फोर्ड छोड़ने का उनका कारण क्या था रीजन क्या था ट्वेंटी एट को रिस्पॉन्स करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स इमीडिएटली ट्वेंटी एट की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा शेक्सपियर का जो रीजन था स्टेट छोड़ने का ही वॉज कॉट स्टीलिंग ए डियर फ्रॉम सर टोमस लूसी पार्क उन पर ब्लेम लगा दिया गया था कि वो सर टोमस लूसी पार्क से एक हिरन की चोरी करते हुए पकड़ लिए गए थे इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया था स्टेट फोर्ट को छोड़ दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन हुई चाथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैडवीन ए कंट्री स्कूल मास्टर रिस्पॉन्स इमीडिएटली हुई चाथर रिपोर्टेड किस आथर ने रिपोर्ट किया शेक्सपियर हैड बीन ए कंट्री स्कूल मास्टर निकोलस राम जॉन ऑवरी जॉन फ्लेचर नन ऑफ दीज ट्वेंटी नाइन को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्स करिए ट्वेंटी नाइन की बात करें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा जान ओवरे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग सेपरेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करें सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव अलगाव कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं भिन्न करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ध्यान दीजिए एस ई -E, पी ए आर ए टी आई ओ एन सेपरेशन ध्यान रखना यस इी ए आर ए टी आई ओ एन सेपरेशन आ लगाओ या भिन्न मैच कर लीजिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी रही आप लोगों ने कितना स्कोर किया प्लीज़ आप लोग क्लास के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें माय डियर फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड्स आप लोग शंबल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मच